सिंगरौली में हाईवे पर जाम लगाकर धरना प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल और अन्य के खिलाफ जियावन थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ देवसर में बिना अनुमति 12 घंटे हाईवे जाम कर धरना प्रदर्शन किया था, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश सरकार की नीतियों के विरोध में सीधी सिंगरौली नेशनल हाईवे 39 को जाम कर दिया। कमलेश्वर पटेल ने देवसर में बिना अनुमति 12 घंटे हाईवे जाम कर धरना प्रदर्शन किया, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और विधायक का प्रदर्शन अंत में धरने में तब्दील हो गया। अपने हजारों समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ कमलेश्वर पटेल जियावन से पैदल चलकर देवसर पहुंचे, जिसके चलते एक ओर का पूरा हाईवे जाम रहा, लेकिन प्रशासन ने इन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की। फिलहाल सिहावल विधायक के इस कार्यक्रम से शहर में पूरे दिन जाम की स्थिति बनी रही। स्थिति ये थी कि यात्री वाहन, मालवाहक वाहन के साथ साथ आवश्यक सेवाओं, मरीजों को लाने ले जाने वाली सभी एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं दिया गया। एसडीएम आकाश पटेल जब विधायक कमलेश्वर पटेल से ज्ञापन लेने पहुंचे तो विधायक ने स्पष्ट मना कर दिया और कलेक्टर को ज्ञापन देने पर अड़े रहे। ये कार्यक्रम लगातार चलता रहे, हम लोग विधानसभा में भी बहुत सारे विषयों को हाईलाइट किए, सदन भी चलाते भगते हैं। सत्र जब हमारा होता है तो सत्र कई दिनों के लिए आहूत किया जाता है और सत्र अगर 4 दिन के लिए आहूत किया दूसरे दिन खत्म कर दिया। ये लोग चर्चा नहीं कराना चाहते, ये लोग नहीं चाहते कि हमारी कमियाँ उजागर हों, ये भगते हैं। और ऐसे लोगों का एक ही तरीका है, जब सदन नहीं चले, हमारी आवाज़ को दबाई जाए, फिर जनता के बीच में तो आवाज़ जानी चाहिए। रोजगार देने की बात कही थी, किसी को रोजगार नहीं मिला, 2 करोड़ को रोजगार देने की बात कही थी, चारों तरफ से फेल हो गया। अब ये फेल हुआ है, अब जो हमारी संपत्तियां हैं उनको भी बेचने का काम कर रहे हैं, तो देश की जनता जाएगी कहाँ, बेरोजगार जाएंगे कहाँ। पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि कल जो धरना प्रदर्शन हुआ उसके लिए अनुमति चाही गई थी, जिसके लिए अनुमति हम प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई थी। दूसरा जो है यहाँ पे, और ख़ास तौर से जो है राष्ट्रीय राजमार्ग पे इस तरह का जो है जुलूस निकालना और उसके बाद जो है वहाँ पे धरना प्रदर्शन करना, इस चीज़ की अनुमति नहीं दी गई थी। इसके ऊपर जो है प्रशासन की तरफ से जियावन थाना में FIR दर्ज कराई गई है। धाराएं 341, 147, 149 इंडियन पीनल कोड की और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 8 ब के अंतर्गत FIR तहसीलदार के द्वारा दर्ज कराई गई है। आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी, प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।